हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ झारखंड की धुस्का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाने में बेहद ही आसान और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो चलिए चलते हैं धुस्का की रेसिपी की ओर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चावल की आवश्यकता होगी। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, डोसा बनाने वाली, खीर बनाने वाली। तो 2 कप हमारा चावल है, 1 कप चने की दाल और 1/4 कप उड़द की दाल। हम तीनों को एक दिन पहले पानी देकर फुला लेंगे, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो मैंने ये एक दिन पहले ही भिगो कर रख दिया था। ये हमारी फूल चुकी है, अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। आप अलग-अलग पीसिए या फिर एक साथ मिला के भी पीस सकते हैं। ये देखिए, बैटर को मैंने पीस लिया है। अब हम इसमें नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी अजवाइन, हल्दी और खाने वाला सोडा, बस यही डालनी है। अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। हमारा बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना मोटा होना चाहिए। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। बैटर हमारा इस प्रकार होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं इसे फ्राई करने के लिए। मैंने गैस में कढ़ाई चढ़ा दिया है, तेल भी गर्म हो चुकी है। अब हम धुसके के बैटर को डालेंगे। इस प्रकार हमें डालना है। अभी हमें इसे इसी प्रकार छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद हम इसे पलटेंगे। अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए, हमारे धुसके कितने अच्छे फूले फूले बने हैं। थोड़ा सा इसमें क्रिस्पीनेस आ जाए तब तक हम इसे तलेंगे। हमारा धुसका रेडी हो गया है। अब हम इसे प्लेट पे निकाल लेंगे। इसे आप हाई टू मीडियम लो पे ही तलें। हमारी फूली फूली धुसका बन चुकी है। इसी प्रकार मैं सारे धुसके को तल लेती हूँ। ये देखिए, धुसका रेडी हो चुके हैं। अब आप इसे सॉस, चटनी, किसी के साथ भी सर्व कीजिए। खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।